हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारने के लिए इसराइल के सीक्रेट मिशन को 15 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। इस्माइल हानिया के पीछे 15 साल के मोसाद के एजेंट लगे हुए थे। एक मिसाइल धमाका, सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा और चार दुश्मनों को सदमा। इस्माइल हानिया की मौत हमास के लिए जोर का झटका है, ईरान के लिए सदमा है, हिजबुल्लाह के लिए होश उड़ाने वाला हमला है, हुथी लड़ाकों के लिए कभी ना भुलाए जाने वाला एक अध्याय। एक धमाके से इसराइल के चार दुश्मन दहल गए हैं, मगर इन चारों ने इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की इसराइल को डायरेक्ट धमकी ये है। खाड़ी मुल्कों में खूनी लड़ाई का लेटेस्ट और विस्फोटक चैप्टर 31 जुलाई की रात 2 बजे मिसाइल ब्लास्ट से शुरू हुआ। सीधे सिर पर गिरी मिसाइल, बारूदी धमाका हुआ और इस्माइल हानिया के चीथड़े उड़ गए। हानिया की सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड भी बेमौत मारा गया। हमला इतना सटीक, इतना अचूक और इतना विध्वंसक कि हमास सरगना को सेकंड भर सोचने का वक्त भी नहीं मिला। हालांकि इस्माइल हानिया की मौत का ऑपरेशन महज एक मिसाइल धमाके भर का नहीं है। हमास के सुप्रीम लीडर का अंत जिस अंदाज में किया गया, जिस जगह किया गया, जिस समय किया गया, वो सब कुछ बहुत बड़े खतरे का सिग्नल है। इशारा ये भी कि ये हमला किसने किया। इंतकाम का ये स्टाइल दुनिया में सिर्फ एक ही देश का है, जबकि हानिया की मौत पर इसराइल साइलेंट है, मगर उसके दुश्मनों ने हानिया की मौत का बदला नेतन्याहू से लेने का ऐलान कर दिया है। इस सब के बीच दुनिया को यह भी नहीं पता चल पाया कि ऑपरेशन हानिया पॉसिबल कैसे किया गया। इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन के द एंड की प्लानिंग कब से की गई? हमले के लिए तेहरान को ही क्यों चुना गया? सिलसिलेवार ढंग से जानिए इसराइल के चार दुश्मनों के एक साथ दहलने की हकीकत। तीस जुलाई की तस्वीर है ये, जिसमें हुथी नेता और हिजबुल्लाह नेता के अलावा आगे की कतार में हमास चीफ भी नजर आ रहा है। सबसे बाईं ओर हुथी नेता मोहम्मद अब्दुल सलाम, और इस समारोह में इसके शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद हानिया का सफाया हो गया, वो भी ईरान के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में।